योग अस्तित्व बोध की एक आध्यात्मिक विद्या, व्याधि निवारण की एक प्रक्रिया और समाधि प्राप्ति की एक सहज विधि, और उसमें हम सबसे पहले प्राणायाम का करेंगे अभ्यास। एक आसन विशेष में बैठ जाए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, एक आसन का चयन करके आप बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सिद्धासन बहुत सरल होता है, बाएं पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर, लेफ्ट लेग नीचे होती है, राइट उसके ऊपर, दोनों घुटने जमीन पर, बहुत सरल आसन है। लेफ्ट लेग नीचे, राइट उसके ऊपर, जो हमारा घुटने जमीन पर और टखने के ऊपर, एंकल जॉइंट के ऊपर आ जाता है ऐसे, और पंजा एक दूसरी काफ के और थाई के से बीच में आ जाता है, जंघा और पिंडली के बीच में, मृदंड सीधा, ये सिद्धासन। थोड़ा सा कठिन पद्मासन, दाहिने पैर को उठा करके बाएं पर, बाएं को उठा करके दाहिने पर रखते हैं, ये थोड़ा सा कठिन लगता है। जिनका शरीर भारी भरकम है उनको बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो नहीं बैठ सके सिद्धासन या पद्मासन में, वे सुखासन में बैठ जाएं, पैर मोड़ के सीधे बैठे बस ऐसा, और जो यूँ सीधे ना बैठ सके वो पैर खोल के बैठ सकते हैं, और जिनको नीचे ही बैठने में तकलीफ होती है वे चेयर पर बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम की मुख्य प्रक्रियाओं के करने के लिए आप किसी भी एक मुद्रा का भी आश्रय लेते हैं। देखो, हाथों को तो रखना ही आपको घुटनों पर, लेकिन उनको यदि एक विशेष मुद्रा में, विशेष अवस्था में रखते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा शारीरिक मानसिक आरोग्य मिलेगा। ये ध्यान मुद्रा, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ भाग, इनको यूँ मिला देते, अंगुष्ठ का अग्रभाग और प्रथम अंगुली इस तरह से मिलाया, तो ये ध्यान मुद्रा, जिससे स्ट्रेस दूर होता है, तनाव दूर होता है, मन शांत होता है, हमारी सुप्त मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ उद्बुद्ध होती हैं। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, प्रथम अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगा दिया, ये जोड़ों के दर्द के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, अर्थराइटिस के लिए उपयोगी मुद्रा वायु मुद्रा। ये ध्यान शून्य मुद्रा, जिनको ईयरिंग प्रॉब्लम्स हैं, कान के रोग हैं, कर्ण रोग हैं, कर्ण में नाद होता है, साउंड आता रहता है कान में, अंदर अंदर सुनाई कम देता है, कान बहते हों, कान के पर्दे में छेद हो, ऐसे बैठ के प्राणायाम करना। यह पृथ्वी मुद्रा, जिनका शरीर बहुत भारी हो भी ऐसे बैठ के करना। ये वरुण मुद्रा, जिनको यूरिन प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है, जलियांश शरीर में बहुत इकट्ठा हो जाता है, वे ऐसे बैठ करके प्राणायाम करें। जो बहुत कमज़ोर प्राणी हैं, प्राणायाम करते करते जिनको चक्कर आते रहते हैं, सिर घूमता रहता है, श्वास थोड़ा गहरा लिया तो भी श्वास फूल जाता है, ये शक्ति मुद्रा, लास्ट की दो उंगलियाँ और अंगुष्ठ का अग्रभाग, इनको यूँ मिला देने से यह शक्ति मुद्रा बनती है। अपान मुद्रा, जिनके शरीर में बहुत टॉक्सिन्स बढ़े हुए, ऐसे बैठे। अब किसी भी एक मुद्रा का आश्रय लेकर के बैठते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, श्वासों को भीतर धारण करना, बाहर छोड़ना, सात प्रक्रियाएं, भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, प्रणव। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, यहां से शुरू करते हैं। सात प्रक्रियाओं को देखना भी और साथ साथ में करना भी, कहीं किसी से भूल ना हो, त्रुटि ना हो, इसलिए एक एक प्रक्रिया को ध्यान से देख लीजिए। एक लय होगी श्वासों के साथ, एक लयबद्धता, एक तन्मयता, एक तानता, और प्राणों के साथ ये प्राण जो परमेश्वर दे रहा है उस ब्रह्म के प्रति एक गहरा समर्पण। तो हम यूं कहें कि विराट के साथ एक रूपता, ब्रह्म के साथ तन्मयता, विराट को आत्मसात करना, यही तो फिर योग है। अपने स्वार्थ से, संकीर्ण विचारों से, मोहमाया के बंधन से, मानो अज्ञान से मुक्त होकर के अपने सत्य स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यही तो योग है। और सत्य यही है
कि प्रत्यक्ष के पीछे जो परोक्ष शक्ति काम कर रही है वही सत्य है। श्वासों को हम भीतर धारण कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। यह भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 5 मिनट करना है, पूरी श्रद्धा से रोज करना है, एक लय के साथ। इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना, लेकिन ध्यान देना 2 सेकंड लगभग लेने में लगते हैं और 2 सेकंड छोड़ने में। बहुत ज्यादा वक्त लगाएंगे तो आप 3 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन 3 सेकंड का वक्त लगाते हैं भरने और छोड़, 3 सेकंड का छोड़ने में तो उसे स्ट्रेस आ जाता है, तो आप 2 ही सेकंड में पूरा करें इसको, 2 सेकंड में भरें। दो सेकंड में छोड़, 2 से 2.5 सेकंड का वक्त लगता है। समय के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, एकाग्रता पूरी होनी चाहिए, एक लयबद्धता पूरी होनी चाहिए। इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम। ABP News आपको रखे आगे।